सर मैंने आज फिल्म देखी है किल। सर मैं सीरियसली बोलना चाहता हूँ, ही इज अ मैन किल एट द बॉक्स ऑफिस। मतलब आफ्टर कल की अगर बॉक्स ऑफिस पे धमाल होना चाहिए ना तो किल पे होना चाहिए। वो बात ठीक है, हॉरर में कहाँ दम था, मुझे तो लगता है कि सर इनमें बहुत दम होगा। क्या ही एक्शन डेब्यू फिल्म में, इतना एक्शन, मतलब जिस लेवल पे वो काट रहे ना सर, अब सीट पे बैठा हूं मैं उस लेवल पे, अगर वो यहाँ से काट रहे तो मैं इस तरफ हो रहा हूँ, वो वहां से काट रहे तो मैं इस तरफ हो रहा हूँ। मतलब इतना क्रेज है फिल्म में, इतना कार्टून कुटी है। आफ्टर एनिमल मैंने अगर कोई वायलेंस वाली मूवी देखी है ये है सर। मतलब संदीप रेड्डी वंगा को टक्कर देने वाला ये डायरेक्टर है भाई। संदीप रेड्डी वंगा ने जो वहां पे दिखाया था वायलेंस, जो लास्ट में सीक्वेंस है जहाँ पे रणबीर कपूर जो स्पार्क वाले हेयर में आके जब लोगों को काटता है, और उसके बाद में फिर जब उसको टिप्पणी को पूछता है ना कि वैसा सीक्वेंस यहाँ पे फुल ऑन। और राघव के बारे में क्या बोलूं, मतलब कॉकरोच बनते बनते अचानक शेर, ये क्या बात हो गई। मतलब आप किसी का भाई किसी की जान में मैंने उन्हें देखा था, क्लाइमैक्स में छोटा मोटा एक एक्शन कर रहे थे, ठीक है सलमान भाई के सामने दो चार लात चला दी हमने गुंडों पे, बट लेकिन यहाँ पे भाई ABCDEFG इतना एक्शन भाई, और वो भी कैरेक्टर, मतलब हमेशा लोग मैंने उनको देखा है तो वही कार्टून गिरी करते हुए, या तो ZTV के इस पे वो एंकरिंग कर रहे, या तो फिर कुछ और कर रहे, या तो कोरियोग्राफी कर रहे, या तो ABCD फिल्म में सिर्फ डांस कर रहे, बट इतना मतलब भयंकर विलन। मतलब मैंने बॉबी देओल के बाद और एक कोई फिल्म थी उसके, मतलब एक विलन टक्कर वाला विलन होता है ना कि ऑडियंस देख के डरे, तो ये विलन मैंने देखा है राघव को। और रही बात आशीष विद्यार्थी सर की, सर उनकी बात ही क्या करे, इतने पुराने एक्टर है तो जाहिर सी बात है उनका काम में तो मजा आएगी। और एक हीरोइन भी है, एक्चुअली मुझे उनका नाम याद नहीं है, शीज अभी अभी न्यू आई है, लेकिन बहुत खूबसूरत दिखी है वो उसके अंदर। मतलब करण जौहर सर जब भी कास्टिंग करते सर थोड़ी नजर हम पे भी डाल लो, हमने क्या बुरा किया है आपका सर। तो फुल ऑन धर्मा मूवीज, मतलब जो ही कुछ कुछ होता है, जो सब प्यार भरी फिल्में चलती थी अचानक एक्शन आ गया तो ऑडियंस भी एकदम फुल थप्पा और कटप्पा एक साथ हो गया। तो मैं तो ये बोलूंगा आइए फिल्म आफ्टर कल की, अगर आपको एक्शन देखना है तो ये फिल्म बहुत बेस्ट है, आप देखोगे ना तो एकदम मजा आ जाएगा। मेरी तरफ से 4 है ना, क्योंकि कुछ ऐसा गाना नहीं है इसके अंदर, कोई ऐसा आइटम सॉन्ग नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा जरा लगा एक तो आइटम सॉन्ग होना चाहिए था। आइटम सॉन्ग के बिगड़ गया ना मूवी, थोड़ा ग्लैमरस की बात नहीं है तो मूवी थोड़ी फीकी लगती है, बट ओवरऑल पिक्चर पावाल है, आप देखिएगा जरूर। थैंक यू। जो दिखाया है, जो ट्विस्ट है, हम लोग को ओपन नहीं करेंगे जहाँ से मूवी कट होती है वो कैसे लगे। देखिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक फिल्म है, मैं यही कहूंगी कि जो कमजोर दिल वाले हैं वो ना देखे फिल्म को। फिल्म में एडिटिंग जबरदस्त है और फिल्म में डायरेक्टर से ज्यादा एक्शन डायरेक्टर की मैं तारीफ करना चाहूंगी। उन्होंने एक पूरी ट्रेन में जिस तरह का चीज दिखाई है, ये हमने एक इंग्लिश फिल्म में देखी थी जो चाइनीज फिल्म थी, लेकिन कमाल का एक्शन सीन था। और उन्होंने जो दिया है, जो स्टंट सीन दिए हैं, जबरदस्त थे। बिल्कुल बिल्कुल, एक तो जो लक्ष्य है उसका डेब्यू है, लेकिन वो चूंकि पहले एक्टिंग कर चुके हैं तो बहुत जबरदस्त लगे हैं। साथ में राघव जिसको हम यही समझते थे कि वो बहुत अच्छा डांसर है, उसने इतनी बढ़िया एक्टिंग की है कि बस
मजा आ गया है। किसका डायरेक्टर ने भी बहुत जबरदस्त काम किया, लेकिन इतना ज्यादा ग्रूसम नहीं दिखाना चाहिए, बच्चे नहीं देख पाएंगे। इंस्पायरिंग फिल्म थी, कमांडर को दिखाया कि किस तरीके के होते हैं और किस तरह के जुनूनी होते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं, उस लिहाज से फिल्म बहुत अच्छी। 3.5 बहुत ज्यादा एक्शन है यार, इतना एक्शन देखने की आ रही नहीं है, और ऊपर से स्टोरी लाइन थोड़ा मेरे को मिसिंग लग रहा है। थिंग इज लाइक दैट स्टोरी लाइन इज लिटिल बिट ऑफ मिसिंग। पिक्चर अच्छी है, राघव की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, लक्ष्य का बहुत अच्छा एक्टिंग लगा, निव कमर जो लेडी है उसने भी बहुत अच्छा एक्ट किया है, एंड दे आर ऑल वेरी गुड, वेरी नाइस, एंड दे हैव गिवन अ वेरी गुड, लिटरली वेरी नाइस परफॉर्मेंस। ऐसा एक्शन देखा था क्या इंडियन फिल्म? नहीं नहीं नहीं, एक्शन तो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, कोई मूवी में ऐसा इतना एक्शन नहीं दिया। एनिमल पिक्चर पे जब सवाल उठा रहे थे कि वो एक्शन कैसा पास किया, मैं ये देख के ऐसा लगता है कि इसको कैसे पास किया, बट ऐसा लगता नहीं है कि बहुत मतलब ऐसा स्क्रीन से नजर हटा, इतना भी गंदा नहीं लगता सीन, मार रहे काट रहे, ओके यू कैन वॉच इट, ऐसा लगता है। यानी कि आज की जेंजी, जो आज की जनरेशन जो पसंद आ रही है, आज की जनरेशन, आई डोंट नो, बट आई थिंक ऐसे फिल्म वो ठीक है, यू शुड नॉट टेक देयर इन द पर्सनल लाइफ फॉर रिवेंज और एनीथिंग लाइक दैट। अभी उसमें कैसे डकैत लोगों ने दिखाया कि डकैत लोग ये सब करते हैं, तो ऐसे मुझे एक्टिंग वाइज इन लोग का है, राघव तो बहुत अच्छा चलेगा, उसका परफॉर्मेंस तो मेरे को लगता है बहुत सराहनीय योग्य है, और वो मेन एक्टर का भी, लक्ष्य का भी अच्छा है, लड़की का भी ठीक ठाक है। 101% बिकॉज ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ, मेरे को ऐसा लगता है उसको बहुत काम मिलेगा, ऐसा लगता था क्या करेगा क्या करेगा, एंड इवन आई वॉज एक्साइटेड राघव फॉर दिस मूवी। 5 में से मैं इसको 2.7 अच्छा जी, आफ्टर एनिमल सेटिस्फाइड ऑफ मूवी लाइक इंसान के अंदर का जानवर निकल रहा है एंड ऑडियंस आर एक्सेप्टिंग, व्हाट्स योर कमेंट ऑन दैट? वायलेंस ज्यादा था, कुछ सीन्स जो लगे आपको बहुत खतरनाक, बहुत सारे, और व्हाट अबाउट हमारे कॉमेडियन स्टार जो जो माने जाते हैं उनको दिखाया यहाँ पे नेगेटिव कैरेक्टर, कुछ डायलॉग काम भी ज्यादा अच्छा। अच्छा, ऐसा एक्शन देखा है अभी तक इंडियन फिल्मों में आपने? एक्शन देखने को मिला है, चलती ट्रेन में मारा मारी, ऑडियंस भी लाइक इट होगा, क्या लगता है आपको? या जिनको एक्शन पसंद है वो लोग को तो पसंद आएगी ये फिल्म। हाउ मच रेटिंग यू लाइक आउट ऑफ 5? 4 stars तो मैं दूंगा। 4 stars? कहीं संदीप वो डायरेक्शन, आई थिंक डायरेक्टर को काफी कम सवाल पूछेंगे आप। कोरियन डायरेक्टर जिसमें एक्शन काफी उनका जो ये बेंचमार्क है, उनका कैसा लगा एक्शन? अमेजिंग एक्शन, अमेजिंग एक्शन ओवरऑल, द मूवी इज कंप्लीट पैकेज, एंटरटेनमेंट, फुल फ्लेज एक्शन है, देखो तो। थैंक यू। मूवी अच्छी है, और मूवी पहली बार ऐसा जॉनर आया है इंडियन सिनेमा में जहाँ पे कोई सॉन्ग नहीं है, जहाँ पे कोई रोमांस नहीं है, जहाँ पे ऐसा रोमांस है बट कोई सॉन्ग नहीं है, ड्रामा नहीं है, मतलब पूरा मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग नहीं है, सो इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट जॉनर ऑफ द फिल्म, बट बहुत अच्छी फिल्म है। आई थिंक यंगस्टर्स विल लाइक इट, जो लोग एक्शन को प्रेफर करते हैं, जो लोग वायलेंट फिल्में देखते हैं, स्पेशली कोरियन ड्रामा जो देखते हैं, उन लोगों को ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। मूवी का प्लॉट कैसे लगे? मूवी का प्लॉट बहुत अच्छा है, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, पूरी फिल्म ट्रेन में शूट हुई है, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, बट द डायरेक्टर एंड द एंटायर क्रू हैज मेड श्योर कि जो जब फिल्म दिखे स्क्रीन पर तो ऑडियंस जो है वो एनग्रॉस्ड रहे, क्योंकि आपको हर सीन के बाद ये सोचना है अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इट्स लाइक दैट। किलिंग्स बहुत ज्यादा दिखा है, सो द फिल्म का नाम ही किल है, तो पूरी फिल्म में किलिंग हो रही है। आई थिंक इट इज जस्टिफाइड बिकॉज धर्मा हैड अनाउंस, सिक्या एंटरटेनमेंट हैड सेड कि हम एक ऐसी फिल्म लाएंगे जो कम्प्लीटली डिफरेंट जॉनर की होगी और जो इंडियन सिनेमा में फर्स्ट टाइम बन रही है, जो इंटरनेशनल लेवल की होगी, सो दिस फिल्म जस्टिफाइज इट वेरी वेल। कोरियन डायरेक्टर की कैसे लगे जो किलिंग्स दिखाए, जो सीक्वेंसेस दिखाए? ही हैज ब्रॉट द कोरियन ड्रामा टू इंडिया, आई कैन से, क्योंकि कोरियन के जो एक्शन और वायलेंस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, सो जो कोरियन डायरेक्टर ने किया है, एक्शन डायरेक्टर ने, उन्होंने कोरियन ड्रामा को इंडियन सिनेमा में बिठाया एंड ही हैज डन इट परफेक्टली वेल। Which is good, na? Because Hollywood films चलती है ना, चाहे उस लेंथ से कुछ
उसका आई डोंट थिंक सो इट विल इंपैक्ट, बिकॉज जितना स्टोरी बताना था उनको उन्होंने इस पूरे पिक्चर में बता दिया. आई डोंट थिंक सो मोर ऑफ लेंथ ऑफ द फिल्म वाज रिक्वायर्ड. लक्ष्य क्या स्टार बन पाएंगे इसके बाद? 100% लक्ष्य. आई थॉट ही वाज अ रोमांटिक हीरो बिकॉज आई हैव सीन हिम ऑन टेलीविजन. और उसके बाद अचानक से लक्ष्य हैज कम आउट एंड ही हैज कम आउट एज एन एक्शन हीरो. हिज वॉइस, हिज एक्सप्रेशंस, हिज एक्शन, हिज एवरीथिंग, हिज बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी, इज कंप्लीट एक्शन स्टार. ही इज द नेक्स्ट एक्शन स्टार ऑफ द कंट्री. कॉमेडी से एक्शन सीधा. या एंड कान्या दैट एक्ट्रेस, नो विलेन, विलेन राघव तो मतलब ही इज अ सरप्राइज पैकेज. आई थिंक ऑडियंस को पूछा के लेना चाहिए कि राघव कितने टैलेंटेड है. ही इज अ कंप्लीट सरप्राइज पैकेज फॉर द मूवी. उन्होंने प्रेस शो में भी कहा था भाई मैं कौन सा भी काम करूंगा. Yes, he is a complete Indian villain in making. Tanya, the new actress, उनका कैसा रोल लगा? बहुत अच्छा रोल है. देखिए जितना उनको रोल दिया गया उन्होंने बहुत अच्छी बखूबी निभाया और वो अच्छी एक्ट्रेस तो है ही. अगर आप उनका सूटेबल बॉय देखेंगे नेटफ्लिक्स पे, शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर. तो उनका भी रोल थोड़ा कम है बट ही इज डन अ गुड जॉब. आशीष विद्यार्थी है अगेन. सर हैज ऑल्सो डन अ गुड जॉब एज अ विलन. ही इज कम आउट रियली वेरी वेल. आफ्टर द एनिमल जस्ट वन ए प्लस इज this movie is coming. Do you think that audience are changing? Hamare audience ke sab different ban rahe hain. Absolutely, with international drama coming in, sab kuch international drama aapko OTT pe we are getting competitions to Hollywood. Yes, not competition. Abhi we have just seen been in that category. Abhi OTT pe aap inte international drama dekhte hain jahan pe itna action aur itna violence hota hai. To Indian cinema is popping up. Yes, it's the beginning of that. Ma'am, how much rating you love to get? Another 5. 4. Yeah. Thank you. So काफी के ये हुए थे. एक बुलेट से मारना, एक बुलेट से दो जगह. बट ये देखो एक कमांडो की कहानी है, उसमें वो बताया खुद को परफॉर्मेंस दिया कि रियल में जो एक कमांडो होता है कि इतनी चीज होने के बाद भी तब भी वो बंदा हिम्मत नहीं आ रहा है पूरी की पूरी मतलब फिल्म को लेके चला. मतलब रियल में अगर हम देखे थे कमांडो क्या चीज होती है वो उसमें प्रॉपर दिखाया है कि इतना चोट खाने के बाद इतना घायल होने के बाद भी वो एंड तक हिम्मत नहीं हारता है. तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक कमांडो रियल में देखा जाए कमांडो और पड़ता है उसके बाद में देखा जाए तो खुद की लाइफ पार्टनर की ले लेना बहुत बड़ी बात होती है. तो वो फिल्म में दर्शाया गया. प्लॉट कैसे थे भाई? बहुत अमेजिंग थे. बस मैं एक ही चीज बोलूंगा 5 जुलाई को फिल्म रिलीज है, फिल्म देखने जाए. देखने के बाद में मैं मानता हूँ कि मेरे कहने से बट वो लोग जब मूवी देखने जाएंगे तो देखने के बाद उनको मालूम पड़ेगा. अगर जैसे हम बोलते हैं ना कि हम स्टार कितना दे रहे हैं, रियल में अगर जितनी पब्लिक जाएगी वही स्टार उनके लिए होंगे. और 5 जुलाई को इतना पता है कि इसकी ओपनिंग बम्पर होने वाली है. सर कोरियन डायरेक्टर जो एक्शन दे जो किलिंग्स है जैसे हमने देखा तो वायलेंस कंपनी हाई लेवल दिखाया यार उसने. सीरियसली जब स्टार्ट होता है वायलेंट तो उस तरीके का दिखाया कि जो किसी अब तक शायद किसी फिल्म में नहीं दिखाया गया हो. यार ये मार काटी सीधा नॉन स्टॉप. यार ऐसा नहीं कि सोच के कर रहे हैं या बता के कर रहे हैं कि सीन होगा नहीं होगा. जो चीज है सीधे खर्चा खर्चे कुछ नहीं देखना है भाई. एक्शन के लेवल को काफी ऊपर उठाया और वो चीज उनके डायरेक्शन ने दिखाई है, करवाया है और लक्ष्य ने किया है. और लक्ष्य ने अपने आप को पूरा के पूरा फुल तरीके से वो बताया यार कि बंदा मैं तो कॉमेडियन इज बी नोन फॉर कॉमेडी फाइनली इन नेगेटिव कैरेक्टर. अच्छा लगा भाई बहुत अमेजिंग. उसने एक टिपिकल वाला बताया खुद को जैसे एक गांव वाले डाकू चोर रहते वो खुद को उसने वैसा बताया है. और जो एक्ट्रेस है उसकी बात करें सो क्यूट कुछ टाइम के लिए बट सो अमेजिंग यार बहुत सिंपल सा रोल है. आउट ऑफ 5 हाउ मच रेटिंग यू विल हैव टू गिव? 4.5 स्टार दूंगा. 4.5 सो ऑडियंस को मुझे ये कहना है कि पिक्चर एक्चुअली एवरेज है. उसकी वजह यह है कि पिक्चर 2.5 घंटे सिर्फ चाकू और बंदूक भी नहीं थी, हथौड़ी थी और जो बोलते ना देसी हथियार वो सब थे, सर फोड़ने के लिए, पेट में घुमाने के लिए तो सब थे. पूरी पिक्चर में सिर्फ और सिर्फ एक्शन था, डायलॉग्स भी नहीं थे, हीरो हीरोइन का कोई रोमांटिक सीन भी नहीं था, कोई गाना भी नहीं था, कोई कॉमेडी भी नहीं थी. अब गिलास लेके थोड़ा नाच वाच लेते तो भी चल जाता जैसे एनिमल में बॉबी देओल डांस कर रहे थे. मतलब कुछ तो एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए था पिक्चर में. एक्शन बोलेंगे तो उन्होंने अच्छा किया है, पूरी पिक्चर एकदम नेचुरल लगती है. लेकिन 2.5 घंटा सिर्फ खून खराबा देखना लेडीज लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है. और जो हार्ट पेशेंट है वो तो बिल्कुल ना है. यूथ को आएगी क्योंकि जैसे 30-40 के बीच में उनको अच्छी लगेगी क्योंकि एक्शन फिल्म है और बराबर से टक्कर की मारा मारी है. हाँ मुझे ऐसा लगता है कि यूथ है जो कॉलेज वॉलेज स्टूडेंट है उनको ये पिक्चर अच्छी लग सकती है क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ फाइट अच्छी लगती है, उनको कोई मतलब नहीं है कि गाना हो या डांस हो, उनको लगता है चलो एक्शन है
तो एक्शन ट्रेन का जो भी है वो अच्छा है, और थोड़े जो राघव के फैंस हैं वो भी आएंगे, फिर लक्ष्य भी अभी नई उनकी ओपनिंग है तो उनके भी सब फैंस लोग आएंगे, तो ओवरऑल पिक्चर मेरे को लगता है खींच ले जाएंगे। हाँ, ढाई ढाई यही कहना चाहूंगा कि लक्ष्य मूवी है, लक्ष्य का डेब्यू मूवी है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इसमें। और फिल्म की बात करें तो पूरा मालदार और कार्ड से भरा पड़ा हुआ है, एक्शन मूवी है और बहुत बहुत खतरनाक मूवी मैं कह सकता हूँ एक्शन में। लक्ष्य नहीं, एक्टिंग नहीं, इसमें एक्शन ही एक्शन है, एक्टिंग नहीं कहूंगा क्योंकि इसमें स्टोरी कुछ खास नहीं है, स्टोरी है ही नहीं, बस ट्रेन में जाते हैं और ट्रेन में बस उनके जो प्रेमिका है उनके साथ कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है कि जिससे कि वो पागल हो जाते हैं, फिर इसके बाद जो एक्शन दिखाते हैं वो देखने वाले देखने लायक होता है वो एक्शन। नहीं, ऑडियंस को देखना चाहिए, मगर मैं यही कहूंगा कि जो कमजोर दिल वाले हैं वो ना जाएं और जो मजबूत दिल वाले हैं उन्हें जाना चाहिए।